दोस्तों, ये Realme 6 का बोर्ड है और इसमें क्या हो रहा है कि फ़ोन के अंदर लाइट जो है नहीं आ रही है। लाइट का नहीं आने का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कनेक्टर है ना वो भी ख़राब हो चुका है। ये देखिए, एक साइड से कनेक्टर है जो ख़राब हो चुका है, यहाँ से ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ से कनेक्टर ख़राब हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेन डिस्प्ले का कनेक्टर है वो भी ख़राब हो चुका है। ये यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे अगर जम्पर भी लगाना चाहे अपन तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चक्कर क्या है कि यहाँ से टूटा हुआ है, इसके लिए अपन को इसका कनेक्टर पहले चेंज करना पड़ेगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसके जो पत्ते से अपन डायरेक्ट ही जम्पर लगा देंगे। मेन बोर्ड पर कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि एनोड की सप्लाई है जो इसकी टूट गई है डिस्प्ले की वजह से। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ, मैं इसे निकाल देता हूँ, इसको कैसे लगाना है आपको कनेक्टर को बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। पहले ऐसे ही है, अपन ऐसी पट्टी लगा देंगे यहाँ पे। ये भी नीचे ठहर नहीं रही है लेकिन अपना काम हो जाना चाहिए बस। पत्ते को बैंड इस तरीके से करना है कि वो जाके ज़मीन पर ही लेटे, मतलब नीचे जो अपना है उस पे वो ज़्यादा दबाव बना रहे उसका, ऐसे लगा देना है। इसके बाद हीटिंग थोड़ी सी कम रखनी है आपको, हीटिंग नहीं तो आपका पत्ता है जो ख़राब हो जाएगा डिस्प्ले का। निकल गई, अब जो अपने पास कनेक्टर पड़ा हुआ है वो दूसरा डाल देंगे अपन। इन सारी चीज़ों में क्या हीटिंग को थोड़ा सा आपको सावधानी देनी है, बाकी तो क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएगा काम आपका। थोड़ी सी इस पे हीटिंग देनी है, बस हो गया। अभी देख लेते हैं पत्ता बराबर है कि नहीं है। वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट लग गया है ये, कोई सॉल्डिंग वॉल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाले पॉइंट पे देख लेते हैं हल्का सा करके। अभी कनेक्टर है जो तो अपना लग चुका है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना भले। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट लग गया है ना। लगाने का तरीका होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लग जाते हैं।
ये देखिए परफेक्ट लगा हुआ, कहीं से भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अब एक जम्पर लगाएंगे और अपना काम रेडी है। अब सबसे पहले अपन बोर्ड को यहीं पे फिक्स कर देते हैं। पहले लंबा जम्पर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बाद में कट करेंगे अपन इसके कैमरे वमरे सब सेट करने, पहले ऑन करके देखेंगे कंप्लीट के हो रहा है नहीं हो रहा है जो, फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। थोड़ा सा जम्पर को कट कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा लंबा लिया है, बाद में इसको कट करेंगे, पहले जम्पर वहाँ पे लगा के देख लेंगे, वहाँ पे ओके होता है अपना काम, क्योंकि लाइन ही कटी हुई है तो वो खाली जोड़ना ही है। जो डिस्प्ले है इस पर अपन पहले जम्पर कर देते हैं, इसको भी जम्पर करने के लिए आपको जो डिस्प्ले का पत्ता है वो इस तरीके करना है कि वो नीचे लेटता हुआ रहे। जम्पर अभी लग चुका है, अब अपन क्या करेंगे पहले इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब अपन बोर्ड पे जो एनोड की सप्लाई है अपनी, जो आपने वहाँ पे अपन जम्पर करेंगे इसको, वायर को थोड़ा सा जो जम्पर वायर है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये बाद में पैकिंग लगाऊँ लगानी पड़ेगी, ऐसे खुला नहीं छोड़ना नहीं तो कहीं शॉर्ट होगा फोन। जम्पर लग चुका है अभी, अभी देखते हैं डिस्प्ले में लाइट आता है नहीं आता है, ये तो बाद में वोल्टेज चेक करते हैं। बटन लगाने की जरूरत पड़ेगी लग रहा है इसमें।
फ़ोन अभी कंप्लीट चल चुका है, देखिए कंप्लीट इसमें लाइट आ गई है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नहीं दबा रखा तो उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी बहुत सारे सेट क्या है कि अभी ये मीडियाटेक वाले आ रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा अभी बदलाव हुआ है बहुत सारे बोर्डों में, इसलिए उनको करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन समझने वाले तो समझ जाएंगे। मुश्किल मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हल्का फुल्का अब चेंज होने लग गया, आईसीआर चेंज हो गई है बहुत सारी। और जंपर कहाँ लगाया वो दिखा देता हूँ एक बार आपको, बाद में कहो कि जंपर कहाँ लगाया, तो इससे बढ़िया पहले ही दिखा देता हूँ। आईसी के पास में लगाया हुआ जंपर है मैंने, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये छोटी आपको कॉइल लग रही है ये फ्यूज़, इस पर लगाया हुआ मैंने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, और पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।